टेस्टिंग रिकॉर्डिंग। हेलो आदाब सत श्री अकाल वड़ेकम, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे और मैं हूँ आपके साथ आपकी एजुकेटर स्वाति। तो आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है उस प्रश्नों में आपके पास में आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी बीपीएससी रो आरओ सुपर टेट जितने भी आपके एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं उन सभी एग्जाम के लिए स्पेशल आपकी करंट अफेयर्स वाली श्रृंखला है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को देखते हैं, बिना देरी के आगे मूव ऑन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेटा हर वर्ष विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो लोग कम बोलते हैं इंटरमुखी होते हैं, इंटरमुखी कह रही हूँ, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको आप अंतर्मुखी बोलते हैं, तो हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है बच्चे, वो मनाया जाता है तुम्हारा 2 जनवरी को, ठीक है। 2 जनवरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो तुम्हारा जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो लक्ष्मी सिंह आपकी महिला पुलिस कमिश्नर बनी है वो उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। आपकी पहले आईपीएस अधिकारी भी जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी, जिनका नाम है किरण बेदी जी, और साथ ही साथ में जो आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो भी आपकी यूपी की ही थी, जिनका नाम है सुचेता कृपलानी जी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भारत में ये पहला और यूपी का पहला है, मतलब भारत का पहला और जिसे यूपी ने दिया है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए स्पेशली यूपी वाले एग्जाम्स के लिए। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अगले सप्ताह, यानी कि जब ये क्वेश्चन लिया गया था तब तो अगले सप्ताह का था, लेकिन अब वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट यानी कि G20 शुरू आपका हो चुका है जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है, तो कौन करेगा उसकी मेजबानी। अब इस क्वेश्चन के लिए तो सबको पता होना चाहिए ये मुंह जबानी, क्योंकि आजकल जहाँ पे चल रहा है हम वहीं पे रह रहे हैं, और इन दिए गए ऑप्शन में सऊदी अरब, कतर, यूएई और भारत में से भारत इसका राइट आंसर जाएगा, हम सभी जान रहे हैं। और इसमें आपके देखो जो शेफ हैं, खाना बनाने का काम जिसको मिला है शेफ कुणाल को मिला है, विज्ञान का केंद्र आपके IIT बेंगलुरु को मिला हुआ है, तो ऐसे अलग अलग हैं। G20 समिट पे भी एक अच्छी खासी आपकी श्रृंखला आएगी, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो आपको नए नए प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे बात कर रहे हैं निम्न में से किस प्रदेश में बेली सस्पेंसिस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा या कर्नाटक में, किस प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये है तुम्हारे जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे सारे जैन 2023 के क्वेश्चंस हैं, करंट वाले हैं, धीरे धीरे श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, 15-15 क्वेश्चन रोज मिलते रहेंगे। आज जैन का है, जैन खत्म होगा तो फेब, मार्च, अप्रैल आपके एग्जाम तक सारा धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, डैश फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से SS राजमौली को सम्मानित किया गया है, यानी कि कहाँ पे आपका फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड हुआ था जहाँ पे RR मौली को सम्मानित किया गया है बेस्ट क्रिटिक डायरेक्टर से, तो टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो इसका राइट आंसर जो तुम्हारा जाएगा वो है न्यूयॉर्क। अभी न्यूयॉर्क में तुम्हारा फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से तुम्हारे RR हमेशा मेरे दिमाग में आता है क्योंकि RR मूवी उन्होंने बनाई थी, लेकिन इनका नाम है SS राजमौली, और RRR के गानों नाटो 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 को ऑस्कर का अवार्ड मिला है, सभी जानते हैं, ये तो एक गर्व की बात है हमारे लिए। हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा या गुजरात में, ट्रांसजेंडरों के लिए होता है ये आपका फेस्ट, कहाँ पे किया गया है, ये भी जैन का ही क्वेश्चन है, जैन में ये हुआ था। तो राइट आंसर आपका इसका जाएगा बेटा ये है आपका गोवा में, जो आपका पर्पल फेस्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये गोवा में हुआ था। पेन मेरी खो जाती है बार बार, कहाँ जाती है पता नहीं चल पाता है, ये मेरी आंखों से दिखता नहीं है, तो लाल 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 ये गोवा, गोवा तुम्हारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखर जी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी, किस राज्य में स्थित है। तो दो चीज़ मालूम पड़ जाएगा हमें कि टूरिस्ट एक्टिविटी पे रोक कहाँ लगी है श्री समेत मुखर्जी में, और वो किस राज्य में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक में। तो दिए गए इन सारे ऑप्शंस में आपका जो झारखंड है वो राइट आंसर जाएगा, श्री समेत शिखर जी आपका झारखंड में है, यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी पे रोक लगा दी गई है, और जो आपको 28वां राज्य है, 28वां राज्य भी आपका झारखंड ही है, और झारखंड किससे अलग होकर के बना था, झारखंड किससे अलग होकर के बना है, तो झारखंड आपका बिहार से अलग होकर के झारखंड नाम का राज्य बना है। तो क्वेश्चन के साथ में करंट के साथ साथ में कुछ आपकी GS भी यहाँ पे मैं देती चलूंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है, हैदराबाद, बालसोर, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई, कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेसिप की मेजबानी कर रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद।
आप सभी यदि ये वीडियो रिकॉर्डेड देखिएगा तो आप चाहिए तो आप फटाफट कमेंट में आंसर दे सकते हैं मेरे बोलने से भी पहले क्वेश्चन पढ़ करके ही, और आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य की नीम के पेड़ की पत्तियों को डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियों में आपके मतलब रोग टाइप का हो जाता है, छुट्टी होती है, पीली पड़ जाती है, तो ये डायबैक रोग नाम से किस राज्य की नीम की पेड़ की पत्तियां प्रभावित पाई गई हैं? उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो बेटा दिए गए ऑप्शन में जो तुम्हारा तेलंगाना है, तेल लगाना से याद रख लो कि तेल लगाते हैं नीम के पेड़ की पत्तियों का मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए, तो तेलंगाना में ही आपके नीम के पेड़ की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? तो महिलाओं को रोजगार देने में जो भी शहर आपका शीर्ष पर रहा है दैट इज योर चेन्नई। चेन्नई आपका राइट आंसर है, तो चेन्नई पे आप टिक लगाइएगा और फटाक से आगे बढ़ जाइएगा। पेन कहाँ गई? पेन यहाँ रही। चेन्नई इज राइट आंसर। फिर यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा में? तो देखो क्वेश्चन के साथ में दो चीज़ें आपके तैयार हो रही हैं कि आपके नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, और कहाँ पे किया? तो बेटा ये किया आपके पंजाब में, पांच नदियों का समूह पंजाब। राइट आंसर वुड बी बी। तो एक के साथ में दो क्वेश्चन, यानी एक के साथ में एक फ्री। फ्री वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ये क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बता करके मैम जी कितना इतरा रही हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, क्योंकि आप नहीं इतराओगे तो मुझे तो इतराना पड़ेगा ही। हाल ही में कौन से राज्य ने मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या त्रिपुरा? तो कौन से राज्य ने आपका लॉन्च किया है मिशन 929? तो दिए गए ऑप्शन में से जो त्रिपुरा राज्य है उसने मतदान 90% से अधिक करने के लिए आपका मिशन 929 को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर वुड बी त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? तो पशुओं के लिए आपके जो IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत करी गई है वो करी गई है बेटा तुम्हारे गुजरात में। तो ये रहे तुम्हारे 15 क्वेश्चन की सीरीज। इसके बाद रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और है, अरे है आपके पास अभी दो क्वेश्चन हो रहे, 15 के साथ 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए चलिए इन दोनों को भी देख लेते हैं, जब है ही है तो लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। निम्न में से किसने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छ संस्था का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है? तो दो चीज़ें, एक तो ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छ संस्था का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में हुआ, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये खुला है, और किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो तुम्हारा जाएगा वो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छ संस्था का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में। चलो एक जो क्वेश्चन और है लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बेटा अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हाल ही में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो ये यहाँ पे अच्छे खासे आपके करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन की रही सीरीज, और भी आपको मिलते रहेंगे, रोज आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा लाइक और सब्सक्राइब की, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो घंटी जरूर दबा देना कि आपको मिले यहाँ पे नोटिफिकेशन। संग संग में लाइव के लिए भी आप अपने आप को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि लाइव क्लासेस भी मेरी आती रहती है। तो जिस क्लास को आज जिन्होंने देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि मन करेगा तो आप बताइएगा कि दिए गए करंट में से कितने करंट आपको पहले ही छू चुके थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, हर हर महादेव। भगवान आप सभी का भला करे, जो जो ये वीडियो देखे उसका सिलेक्शन करा दें। भाई करना पड़ता है ना, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कहना पड़ता है कि यदि आप अपनी माँ को प्यार करते हो तो वीडियो लाइक करिएगा। तो भैया प्यार करो या ना करो, मतलब लाइक करो या ना करो, प्यार अपनी मम्मी को जरूर करना। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को।